हेलो एवरीवन, नमस्ते. वेलकम टू हमारा बुंदेलखंड.com. एंड दिस इज़ गोइंग टू बी द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस चैनल. एंड द सोल रीज़न ऑफ मेकिंग दिस चैनल इज़ टू लेट पीपल नो मोर अबाउट बुंदेलखंड. बुंदेलखंड एक ऐसी जगह रही है, चाहे वो महर्षि वेदव्यास का जन्मस्थल कालपी हो, या रानी लक्ष्मीबाई की कर्मभूमि झांसी, या मैजिशियन ऑफ हॉकी जिन्हें हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद है उनका शहर झांसी. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अभी भी आप बाहर जाओ तो लोग बुंदेलखंड को इतना नहीं जानते, आपको उन्हें अलग से स्पेसिफाई करना पड़ता है. तो मेरा मेन मोटिव है कि एटलीस्ट अपने देश की जो अलग अलग जगह हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, या जहाँ पे इतना कुछ हुआ है वो लोगों को पता होना चाहिए. सो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से आई एम स्टार्टिंग. If you like the video, if you like the content, if you like the idea, then subscribe to my channel. Now, without any further ado, let's get into the video. तो आज हम बात करेंगे गढ़कुंडार के किले की. गढ़कुंडार का किला हो सकता है आप में से बहुत लोगों ने सुना हो या बहुत ने नहीं सुना हो. तो गढ़कुंडार मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले के टीकमगढ़ क्षेत्र में एक छोटा सा गांव है. अगर हम आसपास के क्षेत्र की बात करें तो यह झांसी से ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर्स की दूरी पर है. गढ़कुंडार एक बहुत ही यहाँ के बारे में कई सारी कथाएं हैं या फैक्ट्स हैं जो गढ़कुंडार के किले को बहुत ही मिस्टीरियस या रहस्यमय किला बनाती हैं, और जो इंडिया के टॉप मोस्ट मिस्टीरियस फोर्ट्स हैं उनमें से एक ये है. तो बट पहले बात करते हैं यहाँ के, मतलब ये कब बना, कैसे बना, किसने बनाया. इसके बारे में कोई भी एविडेंस या बहुत जो पुख्ता सबूत होते हैं वो तो नहीं मिले हैं, बट ऐसा माना जाता है कि ये 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और ये 1500 से 2000 साल पुराना है. यह किला एक समय में क्षेत्रीय राजा महाराजा खेत सिंह कंगार का माना जाता था. खेत सिंह कंगार महाराजा का जन्म 27 दिसंबर 1140 ईस्वी को हुआ था. महाराजा खेत सिंह कंगार का जन्म जूनागढ़ नरेश महाराजा रूढ़देव सिंह रावकर के यहाँ हुआ था, जो चूड़ासामा वंश के थे. चूड़ासामा वंश हमेशा से ही शौर्य, बलिदान और आदर्श का प्रतीक माना जाता है. वैसे ही हम हमारे यहाँ के जो राजा महाराजा की बात करें तो वो हमेशा से ही बहुत करेजियस होते थे, चाहे हम पृथ्वीराज चौहान की बात करें या कोई भी हम महाराज की बात करें. तो ठीक उसी तरह से जो राजपूत योद्धा थे ये बहुत ही करेजियस, बहुत ही ब्रेव सोल्स हुआ करते थे. गढ़कुंडार किला 5 मंजिली किला है, यानी कि जिसमें से 3 मंजिल ऊपर और 2 मंजिल पृथ्वी के यानी कि धरती के नीचे बना हुआ है. और ये बहुत ही मिस्टीरियस इसको इसलिए भी बोला जाता है कि अगर आप 8 किलोमीटर दूर से देखोगे तो ये किला आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, लेकिन जैसे जैसे आप किले के पास जाओगे तो ये उतना क्लियर नहीं रहेगा या प्रॉपर आपको नहीं दिखाई देगा. और तो ये बहुत ही एक, मतलब, अजीब बात है कि इसको कैसे एक्सप्लेन करें कि जब आप अगर पास में हो तो आपको वो चीज़ इतनी क्लियर नहीं दिख रही और दूर से दिख रही है. और किले में जाने का एक ही रास्ता है, लेकिन कहते हैं कि जो रोड किले की तरफ जाती है वो एट द एंड आपको किले में नहीं ले जाएगी और वो एक अलग ही रोड है. तो ये बहुत ही एक मिस्टीरियस सी चीज़ हो गई है. किले का जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरीके का है कि आपको दिन में भी वहाँ रात दिखाई देगी, या मतलब अंधेरा सा लगेगा, प्रॉपर रोशनी नहीं होगी. जबकि किला, हम सब जानते, कोई छोटा सा फ्लैट तो है नहीं, तो वहाँ पे पूरा खुला रहता है, बट स्टिल वहाँ पे आपको अंधेरा लगेगा. तो ये बहुत ही मिस्टीरियस सी बात होती है. वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो बताते हैं कि काफ़ी साल पहले एक बारात घूमने आई थी किले में, और बारात ऑब्वियसली काफ़ी सारे लोग होंगे, तो घूमते घूमते वो तलघर में यानी कि जो बेसमेंट होता है वहाँ चली गई, और वहाँ जाने के साथ ही वो पूरी बारात गायब हो गई और उस बात का आज तक किसी को पता नहीं है. थैंकफुली जब हम लोग गए थे तब ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट उस इंसिडेंट के बाद से जो तलघर में जाने का रास्ता है वो सारे रास्ते बंद कर दिए गए और अब वहाँ कोई भी नहीं जा सकता. तो ये बहुत ही एक, चाहे हम इसको हॉरिफाइंग चीज़ बोल दें या मिस्टीरियस चीज़ बोल दें, बट ये फैक्ट है, वहाँ के लोकलाइट्स ऐसा बताते हैं. और जो हमारे इतिहासकार हैं या
हिस्टोरियंस हैं वो बताते हैं कि किले में आज भी बेसमेंट में इतना खजाना है कि अगर उसकी खुदाई की जाए या वो मिले तो भारत सरकार को मिलता है तो पूरा देश एक रात में अमीर हो जाएगा। तो आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना बड़ा या कितना सारा खजाना है। और उस खजाने की लालच में काफ़ी लोगों ने ट्राई किया है वहाँ जाने का और उनका आज तक पता नहीं चला है। ये बात फैक्ट है या नहीं है ये मैं मतलब पूरे 100% नहीं कह सकती हूँ, बट है मतलब कहीं ना कहीं ये चीज़ है। तो 5 मंजिल का किला है जिसमें से 3 मंजिल आपको ऊपर मिलती हैं, 2 मंजिल बेसमेंट में मिलती हैं। अजीब स्ट्रक्चर है कि दिन में भी आपको वहाँ अंधेरा लगेगा। नीचे जो लोग गए हैं वो आज तक वापस नहीं आए, कुछ पता नहीं चला। तो ये किले को बहुत ही अनोखा बनाती हैं और आज भी लोग कुछ लोग यहाँ जाने से डरते हैं क्योंकि ऑब्वियस सी बात है वो। सुगरकुंडा के किले से रिलेटेड एक और फैक्ट है जो राजकुमारी केसरदाई का है। कहते हैं कि राजकुमारी केसरदाई बहुत सुंदर थी और उनकी सुंदरता से आकर्षित होकर तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक उनके पिता के पास उनका हाथ मांगने शादी के लिए गया। महाराजा साहब ने शादी से मना कर दिया और इस बात से गुस्साए शासक ने गढ़कुंडार के किले पर हमला कर दिया। राजकुमारी ने जब देखा कि बहुत ही भीषण युद्ध हो रहा था, लेकिन जब समझ आया कि अब उनकी सेना हार रही है, वो राज हार रहे हैं, तो राजकुमारी ने अपनी दासियों के साथ मिलकर वहाँ पर जौहर कर लिया। जौहर आप सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, वहाँ से पता चल गया होगा। तो हमेशा से ही हमारी जो राजकुमारियाँ महारानी रही हैं वो बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत ब्रेव रही हैं। और हम सबको देशवासियों को पता होना चाहिए कि एक्चुअली में कहाँ पे क्या हुआ है। तो तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक से बचने के लिए उन्होंने मास जौहर किया या सामूहिक जौहर अपनी दासियों के साथ मिलकर। ये एक बहुत बहुत बड़ी घटना है जो शायद बहुत कम लोगों को पता है। मैं राणक देवी केसरदई मणिमाला बन फिर जौहर दिखलाने आई हूँ। मैं क्षत्राणी हूँ खंगार वंश की, स्वाभिमान बचाने आई हूँ। मैं खेत सिंह बन अपने कुल का परचम लहराने आया हूँ। जब मैं गढ़कुंडार का किला गई थी तो वो बहुत प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं था, मतलब अच्छा किला है, देखना चाहिए, साफ़ सफाई थी, सब कुछ था, बट एक होता है कि जो बहुत टूरिस्ट स्पॉट हो तो ऐसा कुछ नहीं था। हम अलग अलग जगह जाते हैं वहाँ की हिस्ट्री जानने के बारे में, हमें बड़ा शौक़ होता है कि कहाँ पर क्या हुआ। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमारे देश में ही हुई है, हमारे देश के राजा महाराजा राजकुमारी रानियों के साथ हुई हैं या जो भी हिस्ट्री है, तो वो हमें पता होनी चाहिए। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। ये थी गढ़कुंडार के किले की छोटी सी कहानी, क्यों ये मिस्टीरियस है, वहाँ की राजकुमारी केसरदाई का किस्सा, उनके साथ हुआ इंसिडेंट, यहाँ के खजाने के बारे में। तो ये एक छोटा सा वीडियो, होप यू लाइक इट। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड इफ़ यू वॉन्ट सच मोर कंटेंट्स टू नो मोर अबाउट द प्लेस, टू नो मोर अबाउट बुंदेलखंड, देन प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। दैट्स इट, थैंक यू, नमस्ते।